हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। आज जो सीरीज हम लेकर आए हैं उसका नाम है द साइलेंट सी और ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक स्पेसक्राफ्ट में कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक मेंबर इंजर्ड होता है और सब परेशान होते हैं क्योंकि उनके क्राफ्ट का कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा होता है और कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा होता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाती और क्राफ्ट क्रैश हो जाता है। फिर होती है एपिसोड 1 की स्टार्टिंग। हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी की हालत बहुत खराब होती है, वहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण फसल की पैदावार भी नहीं हो पाती और खाने की भी कमी होने लगती है। साइंटिस्ट ने खाने की समस्या को रोकने के लिए वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट की है क्योंकि इसमें वाटर कम यूज होता है। फिर दिखाते हैं कि शहर में अवैध पशुपालन को रोकने के लिए लोग एनिमल्स को भी कैद कर रहे हैं। इन सब के कारण लोग बहुत परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पानी के लिए लोगों को काट दिए जाते हैं। शहरों में नदियों का पानी भी पूरी तरह सूख चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दो साइंटिस्ट डॉक्टर सोंग जियान के पास जाते हैं। वो दोनों साइंटिस्ट डॉक्टर सोंग को मिशन पर जाने के लिए कहते हैं और उस जगह का नाम बाले स्टेशन है जो कि मून पर है। फिर हमें स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डॉक्टर सोंग होती हैं और तभी किसी की एंट्री होती है और वो इस मिशन के इंचार्ज कैप्टन हान यून जे होते हैं। फिर बेलहे मिशन पर जाने वाले और भी क्रू मेंबर्स की एंट्री होती है, उनमें से एक लेफ्टिनेंट होते हैं, उनका नाम ल्यू थे सॉक होता है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी डॉक्टर सोंग से मिलती है, वो लेडी भी इस मिशन पर उनके साथ होती है। वो लेडी इस मिशन की टीम डॉक्टर होती है। डॉक्टर सोंग के पास एक गोल्डन कार्ड होता है। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर छोई आती हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग में बाले स्टेशन को बंद करने की बात हो रही होती है जो कि मून पर है क्योंकि 5 साल पहले वहां एक रेडिएशन लीक हो गया था। और इस मिशन पर क्रू मेंबर्स को बाले स्टेशन से एक सैंपल लेकर आने के लिए कहा गया है स्टेशन के बंद होने से पहले। जो सैंपल लेने के लिए बोला गया है वो एक कैप्सूल के अंदर है। उन्हें इस सैंपल को बहुत ही कम टेम्परेचर पर लेकर आने के लिए बोला जाता है। मीटिंग के दौरान डॉक्टर सोंग 5 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती हैं। फ्लैशबैक में डायरेक्टर छोई डॉक्टर सोंग से मिलती हैं और उसे एक गोल्डन कार्ड देती हैं। डायरेक्टर छोई कहती हैं कि इस कार्ड से हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। वो गोल्डन कार्ड डॉक्टर सोंग की सिस्टर की तरफ से होता है। फिर डॉक्टर सोंग प्रेजेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट डे क्रू मेंबर्स मून पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ होता है। मून के पास पहुंचते ही स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी आ जाती है और स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। सारे मेंबर स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाते हैं, उसमें से एक मेंबर की पसलियां टूट जाती हैं, वो इंजर्ड हो जाता है। क्रू मेंबर्स बाले स्टेशन से 7.6 किलोमीटर दूर होते हैं और उनका स्पेसक्राफ्ट भी खाई में गिर जाता है। क्रू मेंबर्स बाले स्टेशन पहुंचने के लिए पैदल ही भाग भाग कर जाने लगते हैं। उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं होती। थोड़ी देर ऐसे ही चलते चलते इंजर्ड क्रू मेंबर मिस्टर हुआंग की हालत खराब होने लगती है। तब भी वो रुकते नहीं हैं और सब वाले स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वाले स्टेशन अभी भी दूर होता है और उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। तभी मिस्टर हुआंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो चलने की हालत में भी नहीं होते, उनके ऑक्सीजन टैंक का पानी भी खत्म हो जाता है। मिस्टर हुआंग दूसरा पानी भी नहीं लेते और सब मेंबर्स को उन्हें वहीं छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। सारे मेंबर्स वाले स्टेशन चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी ऑक्सीजन सिर्फ 1% ही रह जाती है और वो स्टेशन का डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं। देन ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।